देखिए जो ब्रीड्स हैं, डॉग ब्रीड्स की अगर मैं बात करूँ या कैट्स ब्रीड की मैं बात करूँ, वो कंट्रियों के हिसाब से है। जैसे साइबेरियन हस्की हो गया, वो साइबेरिया के लिए। जर्मन शेपर्ड जो है, ये ऐसे जो ब्रीड्स हैं जिनके हेयर ज़्यादा है, ये वहाँ कंट्रीज के लिए जहाँ ज़्यादा ठंड रहती है या सारा साल ठंड रहती है। हमारे देश इंडिया के हिसाब से इंडी देसी डॉग्स बेस्ट हैं। उनका फर छोटा होता है, वो सर्दी और गर्मी दोनों चीज़ें बर्दाश्त कर सकते हैं। वो पत्थर हजम, लक्कड़ हजम है। आप जैसा खाना दोगे, जिस हालात में रखोगे, वो रह लेते हैं। उनकी ग्रूमिंग की मेंटेनेंस भी ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं है। आप इनको सारे जो डॉग्स होते हैं, इंडी डॉग्स, इन सबकी शक्लें अलग होती है। अगर आप एक चीज़ नोटिस करो, सारे जर्मन शेपर्ड एक जैसे दिखते हैं, लेकिन इनकी डॉग्स सारे अलग अलग दिखते हैं। तो इनमें ये खूबी है। इसके अलावा ये आप अडॉप्ट करें, आप ब्रीडर से बाय ना करें। और अगर हर, अब तो पुलिस वाले भी इनको यू नो ट्रेन कर रहे हैं, दे आर नॉट गोइंग फॉर जस्ट ब्रीड्स, दे आर इंडी पराया, यानी कि अब इंडी देसी डॉग्स को भी अब जो है पुलिस वाले ट्रेन करते हैं अपनी फोर्स में। तो हम भी अडॉप्ट करें। और देखिए, हमारे घर के बाहर, हमारे आसपास, हमारे शेल्टर्स में इतने सारे बेजुबान जानवर हैं जो घर ढूंढ रहे हैं। तो ब्रीडर से जाके, ब्रीडर जो एक डॉग है उसका रेप करा के उसके बच्चे क्यों खरीदने, और फिर उस माँ का रेप करके उससे 4 साल 5 साल खूब सारे बच्चे लेने के बाद उस माँ को भी फेंक दिया जाता है। एज अ वुमन आपको कैसा लगेगा अगर आपके साथ ऐसा हो कि यू नो आपके साथ जब उससे रेप किया जा रहा है, आपको प्रेग्नेंट किया जा रहा है, फिर आपसे बच्चे और उन बच्चों को बेचा जा रहा है, और फिर यही प्रोसेस रिपीट हो रहा है। तो मैं तो इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ। डू नॉट बाय फ्रॉम ब्रीडर्स, डू नॉट बाय फ्रॉम पेट शॉप्स। ये वो लोग हैं जो खुद से कुछ काम नहीं करना चाहते हैं और आपके माइंड के साथ खेलते हैं। जैसे एडवर्टीजमेंट आता है ना डेली कि ये वाला साबुन खरीदिए, ये वाला शैम्पू खरीदिए, चाहे वो यूज़फुल है नहीं है, उसके पीछे की क्या बैकग्राउंड है। सेम ऐसे ही हो रहा है कि जबरदस्ती अपना पैसा कमाने के लिए हमको, हमारे माइंड को ब्रेन वॉश किया जा रहा है कि एक्स जेड ब्रीड अच्छी है। तो इस चीज़ को प्लीज़ सपोर्ट मत कीजिए। देर आर सो मैनी होमलेस डॉग्स, सो मैनी होमलेस कैट्स, स्क्विरल्स एंड सो मैनी एनिमल्स विच आर वेटिंग टू बी रेस्क्यूड एंड अडॉप्टेड। और ऐसी स्टोरी हमारे साथ भी हुई थी कि हमारे घर के बाहर चीकू ब्राउनी ने यू नो बर्थ दिया था। ये देखिए, अभी मैं शूटिंग कर रही हूँ तो ये बदमाश आपको दिख भी जाएगा पर्दे के पीछे। ये वेट कर रहा है कि मैं ख़त्म करूँ वीडियो। इसकी माँ भी बैठी होगी पीछे। तो प्लीज़ आप अडॉप्ट कीजिए। और आपको लगता है कि ये बहुत देखने में गंदे, तो क्या हुआ, आप नहलाओगे धुलाओगे अच्छे से साफ रखोगे ना, तो ये धुल जाएंगे। हमने भी ऐसे किया था, जब आए थे तो इनमें मिट्टी लगी हुई थी, हमने धोया, हमने नारियल तेल लगाया, नीम का तेल लगाया, शैम्पू किया। शैम्पू भी इनका वाला यूज़ करना, अपना वाला शैम्पू यूज़ नहीं करना ह्यूमंस वाला। इनका डॉग का पीएच लेवल अलग होता है, वो वाला शैम्पू यूज़ कीजिए आप। और इनकी मेडिसिन अलग होती है, इनकी वही मेडिसिन दीजिए, तो ये भी बड़े सुंदर सुंदर निकल के आएंगे ऐसा। तो और अगर किसी को स्किन प्रॉब्लम हो गई है तो दवाइयाँ दीजिए, वेट से उसको संपर्क कीजिए, आप डिवॉर्मिंग कीजिए, वैक्सीनेट कराइए, तो ये भी बहुत सुंदर निकल के आते हैं। और सारे अलग अलग होते हैं, इंडिया के क्लाइमेट के हिसाब से होते हैं और बहुत ही प्यारे होते हैं। और वैसे भी दोस्त देखिए बनाए जाते हैं, खरीदे नहीं जाते हैं। तो आप कैसे एक दोस्त को खरीदते हो? और वैसे भी कोई एनिमल, कोई शौक या कोई टॉय के लिए तो होता नहीं है कि आज मन भर गया आज ये ले आते हैं, आज ये ले आते हैं। इट इज़ अ रिलेशनशिप फॉर लाइफ टाइम, जब तक उसकी ज़िंदगी है, 10 साल 15 साल 20 साल 22 साल। तो दोस्त तो वैसे भी बनाए जाते हैं, खरीदे तो जाते नहीं हैं। तो आई फेल टू अंडरस्टैंड हाउ यू गो टू अ ब्रीडर एंड यू बाय, और यू से कि एक्स वाई जेड ब्रीड दे दो। अरे भाई, वो लिविंग थिंग है, कोई साबुन तेल शैम्पू थोड़ी है जब जाके खरीद रहे हो कि ये एक्स वाई जेड दे दो। एंड यू शुड लव एनिमल्स, यू शुड लव डॉग्स, यू शुड लव कैट्स, यू शुड नॉट लव द ब्रीड्स। और अगर आपको ब्रीड इतनी पसंद है तो रेस्क्यू कीजिए, आप अडॉप्ट कीजिए, सीनियर डॉग्स अडॉप्ट कीजिए, जो जो जेराटिक है, जो 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 बेड रिडन है, जिनको जिनको सच में ज़रूरत है घर की, उनको फॉस्टर कीजिए, उनको अडॉप्ट कीजिए।